हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2020 के सिक्स्थ मैच के बारे में जो खेला जाने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में। तो जरूर से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और उससे पहले आपको बताना चाहूंगा वीसीटी के बारे में, जिनका व्हाट्सएप नंबर अपन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके पास आपको मैच की गारंटीड विनर टीम मिल जाएगी, साथ में सेशन आउट की रिपोर्ट भी मिल जाएगी। इन्हें मैसेज करने पर आपको इन्हें फायदा ही होगा, पहले मैच में आपको फ्रीडम वो भी मिल जाएगा। तो जाइए इन्हें मैसेज कीजिए, एक बार मैसेज करने की बात है, फिर आप खुद ही इनकी तारीफ करने लगेंगे। पहले बात करें किंग्स इलेवन पंजाब की, तो इस टीम ने अपना पिछला मुकाबला खेला था दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, जिसे ये हारे थे। मैच जरूर टाई हुआ था पर सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि ने वो मुकाबला मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से जीत जाना चाहिए था। शुरुआत में इन्होंने विकेट छटकाई थी, शेल्डन कॉटर ने बढ़िया बॉलिंग की थी, मोहम्मद शमी ने भी बढ़िया बॉलिंग की थी, पर क्रिस जॉर्डन का डेथ ओवर्स में स्पेल बहुत बुरा रहा। डेथ ओवर्स में इनकी टीम की कमजोरी सामने आई, डेथ ओवर्स में इन्होंने कुछ ज्यादा ही रन दे दिए, जिसके चलते शुरुआत में विकेट लेने का इन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ और एंड में इनके सामने फिर भी एक अच्छा खासा टोटल ही था। बैटिंग में सिर्फ मयंक अग्रवाल का परफॉर्मेंस अच्छा था और उन्होंने लगभग पंजाब को मुकाबला जिता भी दिया था, पर रन में तीन बॉल में एक रन भी नहीं बन पाया, जिसके चलते मुकाबला हुआ टाई और पंजाब मुकाबले को सुपर ओवर में हार गई। इस मैच में आप क्रिस जॉर्डन की जगह पे जिमी नीशम को खिला सकते हैं और क्योंकि मुकाबला आरसीबी के खिलाफ होने वाला है तो आप क्रिस गेल को भी मौका दे सकते हैं निकोलस पूरन की जगह पे। क्रिस गेल से आप ओपन कराइए, वही मयंक अग्रवाल को फिर वन डाउन पे बैटिंग करनी पड़ेगी। इनके अपोनेंट्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात की जाए तो इस टीम ने अपना पिछला मुकाबला खेला था सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, जिसमें इन्हें कंफर्टेबल जीत मिली थी। अच्छी जीत के चलते इनका कॉन्फिडेंस भी हाई हो गया, इनके कैंपेन की शुरुआत काफी अच्छे से हुई है। पिछले मैच में बैटिंग में देवदत्त पड़ीकल ने अपने डेब्यूट पर बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली थी। इसके अलावा एरन फिंच ने भी शुरुआत में रन बनाए थे। एबी डिविलियर्स ने एंड में अपनी 50 पूरी की, एबी डिविलियर्स ने भी अच्छे रन बनाए, जिसके चलते आरसीबी एक अच्छे टोटल तक पहुंच पाई। उसके बाद बॉलिंग में यूजी चहल ने अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद नवदीप सैनी का परफॉर्मेंस अच्छा था, डेल स्टेन ने भी अच्छी बॉलिंग की, शिवम दुबे ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, उमेश यादव थोड़े से एक्सपेंसिव थे, उमेश यादव को छोड़ दिए, तो बाकी सभी बॉलर्स का परफॉर्मेंस अच्छा था। इस मैच की मेरी ड्रीम इलेवन टीम अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस टीम के बेसिस पर अपनी खुद की टीम भी बना सकते हैं। ये मुकाबला खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। यहाँ पे अभी तक इस सीजन दो मुकाबले खेले गए हैं, दोनों ही मुकाबले में एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात की जाए तो वो रहा है 160 का, यानी 160 के आसपास हमें रन बनते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि मेरे ख्याल से 170 का टोटल अच्छा टोटल माना जाएगा। यहाँ पे एक मुकाबले में टारगेट डिफेंड जरूर हुआ था, पर दोनों ही मुकाबले में एक चीज देखने को मिली थी, वो ये कि यहाँ पे ड्यू है और ड्यू के चलते आप पहले बॉलिंग करना ही प्रेफर करेंगे, पहले बॉलिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस हाई होंगे। इन दो टीमों के बीच में आईपीएल हिस्ट्री में 23 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पंजाब ने 12 मुकाबले जीते हैं, वही आरसीबी ने 11 मुकाबले जीते हैं। मेरे पर्सनल मैच प्रिडिक्शन की बात की जाए तो मुझे लग रहा है ये मुकाबले जीतेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। मेरा मैच प्रिडिक्शन है आरसीबी, पर ये मेरा पर्सनल मैच प्रिडिक्शन है। गारंटीड मैच प्रिडिक्शन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे बैकअप चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।